मेरा नाम पास्टर करण वैद्य और मैं महाराष्ट्र से हूँ। और मैंने एक परमेश्वर का विजन को देखा। वो विजन ऐसा था कि हमेशा हम यीशु मसीह को देखते हैं। वो मत्तै, मार्कुस, लूक और योहन्ना का यीशु मसीह हमें दिखता है। जो घायल हुआ यीशु मसीह हमें दिखता है, जो सताया हुआ यीशु मसीह हमें दिखता है। बट जैसे ही पास्टर जी बोले, बहुत सारे लोग दर्शन देख रहे हैं अभी, बहुत सारे लोग दर्शन देख रहे हैं। मैंने कहा बहुत सारे लोग रेलम्स में हैं। उस समय में मैंने महिमावंत यीशु मसीह को देखा। He was the glorified Jesus Christ। वो महिमावंत यीशु मसीह जिसके बाल सुनहरे हैं, सफेद रंग के हैं, वो गले में सोने का पटुका पहना हुआ है, उस यीशु मसीह को मैंने देखा। और कि परमेश्वर इस कलीसिया के द्वारा एक महान काम को करते हुए, जो दलों को बनाना है, जो सेना को तैयार करना है, वो सेना को तीन चीजों में सिस्टर तैयार करेंगे, अनॉइंटेड, अपॉइंटेड और वो अभिषिक्त होकर वो सारी बातों को करना चाहिए। इस बातों को देखते हुए मैंने आगे जब बढ़ा, तब मैंने एक चीज़ को देखा कि परमेश्वर एक सेना को जो तैयार कर रहा है, वो सेना को उसकी योजना और उसकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर अनुग्रह के साथ में आगे लेकर बढ़ रहा है। और हमें आखिरी के समय में, आखिरी के दिन में, अब ये समय आ चुका है, इसलिए हमें रेडी होना है यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के साथ। सभी को जय मसीह की। और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर, और सचमुच में मैंने एक अलौकिक अनुभव को यहाँ पर पाया। और मैंने आग के खंभों को और परमेश्वर की अग्नि को यहाँ पर अद्भुत रीति से बहते हुए, फ्लो होते हुए देखा। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर मुझे यहाँ लेकर आया और परमेश्वर ने मुझे अलौकिक में इंटर किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और मैं थैंक्स कहती हूँ पास्टर जी को कि उन्होंने ऐसी मीटिंग ऑर्गेनाइज करी कि जहाँ पर आकर हम सभी उस आत्मिक रैलम में पहुँचने पाए और इस अलौकिक को हम देखने पाए हैं। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, पास्टर जी को, उनकी पूरी टीम को भी मैं थैंक्स कहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो फैसिलिटीज और जो सारी चीजें हमें देखने के लिए मिली और कहीं पर भी हमें नहीं मिला, प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ जैसे हम लोग यहाँ पर आकर आशीषित हुए, आप भी अपने फैमिली के साथ आएं और यहाँ पर आकर आशीषित होएं। मैं पास्टर शिबू अर्गिस, खड़गपुर वेस्ट बंगाल से। इस मीटिंग में बहुत से अनुभव हुए और ऐसे सेवक मैंने देखा कि पास्टर कंचल मिंतन के अंदर जो नम्रता है, जो दीनता है, उससे हमें बहुत सीखने के लिए मिला। और आगे जब हम अपनी सेवकाई को करेंगे तो जो जो आज पास्टर कंचल मित्तल ने हमें बताया है, वैसे ही हम अपने सेवकाई को आगे लेके जाएंगे। और बहुत यहाँ पे जो पवित्र आत्मा का जो अनुभूति हमने देखा, जो पवित्र आत्मा का कार्य को देखा, वो सही में इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर का मिनिस्ट्री है और आगे इन्हें परमेश्वर बहुतायत से चलाए।